नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेटलॉग्स दी वेटनरी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सबसे ज़्यादा मिल्क यील्ड वाले इम्पोर्टेड बुल की बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बुल के सभी पार्ट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं बुल की डिटेल से। आज हम डेनमार्क के सबसे हाई मिल्क यील्ड वाले बुल के बारे में बात करेंगे। तो बात की जाए बुल की, बुल आईडी है HF40120। तो आपकी स्क्रीन पर बुल का सारा डाटा शो हो रहा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल को समझेंगे। बुल की डेट ऑफ बर्थ है 30/3/2015। ये बुल डेनमार्क कंट्री से इम्पोर्ट किया गया है। देन नेक्स्ट है इस बुल का एनटीएम, वो है +29, मतलब ये बुल टॉप के बुल में से एक बुल है। इस बुल के सभी ट्रेड्स अच्छे हैं और इसकी डॉटर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी सभी ट्रेड्स में। देन ये बुल की फ़ोटो है, देन इसके नीचे कुछ हाईलाइटेड पैरामीटर लिखे हुए हैं जो इस बुल की क्वालिटी को शो करते हैं, मतलब ये बुल मिल्क में इम्प्रूवमेंट देगा, फैट और प्रोटीन को प्लस करेगा। देन नीचे इसकी पेडिग्री डिटेल दी गई है। ये बुल सुपर शॉट, बोकम एंड ओमन ओमन का क्रॉस है। इस बुल की पेडिग्री बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके पेरेंट्स चाहे वो पैटर्नल साइड हो और चाहे वो मैटर्नल साइड हो, सभी ही टॉप कैटेगरी में शामिल हैं। पेडिग्री डिटेल देखें तो कंजेंट सुपर शॉट ये इसका सायर है, रो सुपर क्लास ये इसकी दादी है, सीगुल बे सुपर सायर ईटी ये इसका दादा है, चार्ल्स टेल सुपरस्टिशन ईटी ये इसका परदादा है। देन नेक्स्ट देखें तो एंडरस्टेप बोकम कैरेमन ये बुल की डैम है, एंडरस्टेप मॉम कैरन ये बुल की नानी है, डी सू 521 बोकम ईटी ये बुल का नाना है, लॉन्ग लैंग ओमेन ओमेन ईटी ये बुल का परनाना है। तो नेक्स्ट है बुल के सायर का डाटा। ये डाटा एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू 2005 बेस की दी हुई है। तो सबसे पहले नंबर पर है कॉन्जेंट सुपर शॉट जो इस बुल का सायर है, ये उसकी डिटेल है। बुल के सायर की मदर आगे आने वाली प्रोजनी में 2386 किलोग्राम मिल्क बढ़ाती है, मतलब डेली का 11 से 12 किलोग्राम दूध बढ़ेगा अपनी माँ से। नेक्स्ट है फैट, इसकी फैट किलोग्राम में दी हुई है वो है 75 किलोग्राम, मतलब आगे आने वाली डॉटर अपनी माँ से 75 किलोग्राम या 0.4-0.5% इम्प्रूव करेगी अपनी माँ से। आगे प्रोटीन की इम्प्रूवमेंट 78 किलोग्राम होगी। नेक्स्ट है इस सायर के टाइप ट्रेट या लीनियर ट्रेट्स। तो इस बुल के सायर के लीनियर ट्रेट देखे जाएं तो अडर एंड फ्रेम दोनों ही पॉजिटिव में रहेंगे, और फैट एंड लेग्स का स्कोर एवरेज में है। नेक्स्ट डाटा है इस बुल की डैम, मतलब मदर का। तो 40/120 बुल की डैम बेस्ट लैक्टेशन मिल्क यील्ड है 18,162 किलोग्राम। नेक्स्ट इसकी फैट एंड प्रोटीन परसेंटेज एंड किलोग्राम दोनों में दी हुई है। फैट है 4.97% एंड 902 किलोग्राम, एंड प्रोटीन है 3.37% एंड 610 किलोग्राम। बात की जाए बुल की डैम के लीनियर ट्रेट्स की, तो अडर, फीट, लेग्स, फ्रेम सभी ही पॉजिटिव में है, जो कि इस बुल का प्लस पॉइंट है। अब आ जाता है बुल का मेन डाटा जिस पर हमने पूरा फोकस करना है, वो है GEBV, जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू, जो कि इस बुल की है। तो देखते हैं बुल की जीनोमिक डाटे को। तो देख इस बुल की जीनोमिक मिल्क यील्ड है 1738 किलोग्राम। तो इसकी डॉटर 8-9 किलोग्राम पर डे इम्प्रूव करेगी, बट अकॉर्डिंग टू रिलायबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो डेली का 5-6 किलोग्राम मिल्क इम्प्रूव होगा। देन फैट एंड प्रोटीन दिए गए हैं किलोग्राम में, एंड नेक्स्ट है बुल के टाइप ट्रेट, फ्रेम, लेग्स एंड फीट एंड अडर। सभी ट्रेड की STA वैल्यू पॉजिटिव में है, जो कि बुल का पॉजिटिव पॉइंट है। ये तो था बुल का खुद का, माँ का
और बाप का प्रोडक्शन एंड टाइप रेट का डाटा। देन नेक्स्ट अब बात करते हैं बुल के हेल्थ फर्टिलिटी के डाटे के बारे में। स्टार्ट करते हैं सोमैटिक सेल स्कोर से। तो सोमैटिक सेल स्कोर की वैल्यू है 2.75, तो इसकी डॉटर को मस्टाइटिस नहीं आएगी। DPR देखें तो +2.3 है, तो इस बुल की फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जितनी DPR पॉजिटिव में होगी उतना प्रेग्नेंट होने का रेट ज़्यादा होगा, और काविंग के बाद भी जल्दी हीट में आएगी काओ। एंड HCR देखे जाए तो +0.8 है, बुल से आने वाली हीफर जल्दी प्रेग्नेंट होगी। CCR देखे तो +3.1 है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी अच्छा है। फर्टिलिटी इंडेक्स +2.2 है, इस बुल का फर्टिलिटी इंडेक्स बहुत ही अच्छा है। प्रोडक्टिव लाइफ +6.8 है, ये भी 6.8 दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी अपनी माँ की ओवरऑल पीरियड से। फीडिंग एफिशिएंसी +170 है। बीटा कैजीन देखे जाए तो इसमें A1 A2 प्रेजेंट है। देन अब बात करते हैं बुल के लीनियर ट्रेड्स की। तो जो भाई लीनियर ट्रेड्स पर फोकस करते हैं ये चार्ट उनके लिए है। तो सबसे पहले नंबर पर है स्ट्रीचर, जो कि शैलो से थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट डेयरी फॉर्म है, जो कि पॉजिटिव में है। एनिमल की रिब्स का गैप ज़्यादा होगा, एनिमल की रिब एंगुलर होगी एंड उभरी हुई होगी, जिससे एनिमल ज़्यादा दूध देगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, वो है पॉजिटिव में, जो होनी भी चाहिए। नेक्स्ट है रंप वेट, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी ज़्यादा ब्रॉड होगी। रंप एंगल लिटल बिट पॉजिटिव में है, तो इसकी डॉटर का रंप थोड़ा सा स्लाइटली डाउन स्लोप होगा। लेग साइड व्यू एंड रेयर साइड भी पॉजिटिव में होगा। फुट एंगल भी स्लाइटली पॉजिटिव में है एंड फीट एंड लेग्स का स्कोर भी पॉजिटिव में है। अडर की अटैचमेंट एंड पीछे से हाइट एंड अडर की ब्रॉडनेस काफ़ी अच्छी रहेगी। अडर क्लेफ्ट भी काफ़ी अच्छी रहेगी, अडर की डेप्थ भी नॉर्मल रहेगी। बात करें टीट्स की, तो टीट्स का साइज स्लाइटली बड़ा होगा एंड टीट की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं इस बुल की प्रोजनी की। तो आप 40-120 की प्रोजनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर बात करें इसकी मिल्किंग की प्रोजनी की, तो इसकी प्रोजनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसमें इसकी डॉटर ने फर्स्ट लैक्टेशन में 35 से 45 किलो दूध दिया है एंड सेकंड लैक्टेशन में 58 से 60 किलो दूध दे रही है। काओ के स्ट्रक्चर देखें तो वो शैलो है एंड अडर की क्वालिटी एकदम टाइट है, मतलब ये काओ कम खाकर ज़्यादा आउटपुट दे रही है एंड साथ में फैट को भी मेंटेन रख रही है। तो ये यूरोपियन ब्रीड की सबसे बड़ी खासियत है। जिन भाइयों के पास 40-120 की मिल्किंग प्रोजनी आ चुकी है, वो आगे इनमें HF 50-061, 50-054 और 20-193 बुल की इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। इन बुल से 40-120 की डॉटर में इनब्रीडिंग नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।